अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूं फहद शहबाज खान। और मार रोड पर हेलमेट के बगैर सफ़र करने वालों पर भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं और उनकी गाड़ियां भी बंद की जा रही हैं, उन्हें रोका भी जा रहा है। और इस तरह की चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो खुद से शऊर होने के बावजूद अगर लोग चाहें, बाइक राइडर्स के जो सार्फीन हैं जो इसे इस्तेमाल करते हैं, राइडर्स जो हैं वो चाहें तो इस मसले को खुद से जो है इसका इतलाक अपनी ज़ात पर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। और लाहौर हाई कोर्ट के बहुत बड़े फैसलों के बाद अब सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ इस कानून को इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारे मसाइल अभी भी जन्म ले रहे हैं। और ये मसाइल ई टिकटिंग के बाद शायद हल हों, और ई टिकटिंग के बाद भी कैसे हल होंगे क्योंकि लाहौर में सारी की सारी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं नहीं हैं ये भी नहीं पता, और बहुत सारे जो लोग अवेलेबल हैं जिनके नाम पर गाड़ियां हैं उन्होंने ट्रांसफ़र अपने नाम पर करवाई हैं नहीं करवाई ये भी पता नहीं है। तो लिहाजा एक पूरा मैकेनिज़्म और पूरा डेटा बेस जो है उसे रिवाइव करवाने की ज़रूरत है। फिलहाल बाइक राइडर्स किस तरीके से ख़तरनाक मसाइल से बच सकते हैं और सही सलामत घरों को पहुँच सकते हैं, और सबसे बढ़कर किस तरह मुमकिन है कि ना सिर्फ उन्होंने हेलमेट्स पहने हों, उनके बैक मिरर्स भी काम कर रहे हों, बल्कि वो अपनी लेन जो है जिस लेन में उन्हें सफ़र करना चाहिए उसकी पाबंदी भी करें और एक शाइस्तगी और डिसिप्लिन आ जाए, ये किस तरह मुमकिन है? क्या कानून का इतलाक इस चीज़ को मुमकिन बनाएगा? कोई अखलाकी तरबियत बनाएगी, माशरती रसूम बनाएगी, क्या करेंगी? ये वो सारे मौजूद हैं जिन पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब, कितना जा रहे हो? सरकार हाई रोड पे जा रहे थे। क्यों? सामान लेने वास्ते। ते हेलमेट वो सारा जल्दी च निकले हैं बस। हेलमेट क्यों? बस यार मेरी बात सुने, बस मेरी बात सुने, नेक्स्ट नहीं होगा। मेरी बात सुने, आपका पूरा नाम क्या है? मंजूर है। मंजूर साहब भाई, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? यासिर। यासिर साहब, पीछे बैठा बंदा भी हेलमेट पहनता है, पता है आपको इस बात का? आप गिरोगे तो आपको चोट नहीं लगेगी? मुझे तो लगेगी। तो मेरी बताओ ना, यहाँ तो आप लिख के दे दो कि नहीं यार मेरे गिरने की जरूरत मैं नहीं। यहाँ तो सर आप बता रहा हूँ, यहाँ तो सर आप ये बात करें कि कानून को पास करवाएं कि दोनों बंदे अगर बैठे होंगे तो हेलमेट पहना जाएगा, यही कानून बता रहे हैं? ये कानून, कानून ने यही है जी, यही है जी, ये बात की है कि जनाब वो कानून वाले बता रहे हैं यार। सर आपके सामने बात हुई है? कोई बात नहीं है, आप इतने माशाल्लाह यंग आदमी हैं, नौजवान हैं, वैसे आप दस है टिकट कुछ नहीं होता तौर पे समझते हैं कि अगर खुदा ना आपको पहनना चाहिए, असल बात चाहिए। हाँ जी पहनना चाहिए क्योंकि ऑल कंट्री में अलाउ है कि दोनों बंदे क्या वो आपने करना है। अमान में भी ये कानून पास है, ट्रैफिक के रूल्स जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, ट्रैफिक रूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, मगर यहाँ पे ये चीज अलाउ नहीं हो सकी क्योंकि इस चीज को कभी ना कानून ने सीरियस लिया ना अवाम ने कभी सीरियस लिया। ऐसा करते हैं कि अब हम फिर आप अपनी सेहत को सीरियस लेते हैं? मैं सेहत को सीरियस लेता हूँ। आप बहना करें यार, मैं सर वही बात कर रहा हूँ ना कि इस चीज को ना कानून ने कभी सीरियस लिया ना कभी अवाम ने लिया। यूँ क्यों ना कर लें कि एक बंदा क्या कर रहा है, यानी कि मेरा क्या रवैया है, तो हम सीरियस क्यों ना ले लें वक्ती तौर पे? मुझे मेरी जान ज्यादा कीमती है, तो फिर आप कहें ना कि हम इस कानून के साथ हैं, बाकी लोगों को छोड़ देते हैं। मैं इस चीज के साथ हूँ। आप तो घंटा वकालत कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैं इसके साथ नहीं हूँ। मैंने तो ये बात ही नहीं की है, मुझे ये मतलब तो ये निकलता है ना, आप पूरी वीडियो देख लें किस बात में मैंने कहा कि नहीं। आप बार बार डिनाई कर रहे हैं कि नहीं यहाँ नहीं। मैं सर डिनाई कर ही नहीं रहा इस चीज के, नहीं यहाँ नहीं, ये बात कर रहा हूँ। आप पहले कह रहे थे कि यहाँ कानून ही नहीं है, फिर हजरत साहब ने बताया कि नहीं नहीं कानून है, पाकिस्तान में कानून इस चीज का है ही। पहले खुद देख लीजिएगा क्या आपने क्या बोला है। इसका जो फाइन है ना कम है, फाइन जो इसका, इसका फाइन 15,000 करा दिए ना, ज्यादा फाइन हो है इसका फाइन सर, इसका फाइन जरा करें। देखो असी पैदल तोड़ जाएंगे, वो रजा साहब लेंगे, रजा साहब ओवरऑल हो। फाइन का जो है ना जो कानून है वो 1,000 का नहीं है, उसके लिए डीआईजी ने एक रिकमेंडेशन आईजी को भिजवाई हुई है कि 1,000 रुपए का चलान किया जाए, वो जब अप्रूव हो जाएगी तो फिर 1,000 रुपए का चलान होगा। लेकिन मैं बोलूँ इस पे शहरियों ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है कि जी ये चलान ज्यादा होगा, ये जी इमरान खान जी की हुकूमत है, ये पैसे कलेक्ट कर रही है आवाम से, तो ये हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन अगर शहरी किसी ने बात की है तो कोई अच्छी बात है। यासिर साहब कैसे पॉसिबल है कि जो शहरी जब निकले तो वो खुद ही इन चीज़ों का एहसास करे, ये एहसास अपने अंदर क्यों पैदा नहीं हो सकता? सर सबसे पहले बात ये है कि स्टिकनेस होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, पहले तो ये है कि एक तो स्टिकनेस है ही नहीं, अब ये चीज़ नज़र आ रही है कि स्टिकनेस होनी शुरू हुई है, मगर इतनी भी ये ना हो कि दूसरा बंदा जो है वो तंग होना शुरू हो जाए। दूसरा बंदा यानी आप?
عوام نہیں نہیں دوسرا بندہ آپ جن نے پیچھے بیٹھنا ہے نا ہزار کر رہا ہے ڈرائیور سے بھی پوچھ لیں اس کا کیا خیال ہے ڈرائیور نے انہوں ادھر بٹھانا ہی نہیں آخری ٹرم لا دینا جا کے بھائی تم میرے نہیں جانا نہیں ہونا چاہیے بالکل آپ کی وجہ سے نا صرف چلان ہونا ہے یاسر کی وجہ سے گڈی بند ہونی ہے بتا رہا ہوں سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس نے جو بھی کی ٹاکنگ ٹھیک ہے یہ مثال بہت اچھی ہے جی ڈالفن فورس ڈالفن فورس کے پاس چلتے ہیں یہ بھی بائکر ہیں لائسنس ہے آپ کا جی بالکل ہے لائسنس پکی بات ہے جی بالکل دکھائیں لائسنس دکھائیں آج ابھی پاس نہیں ہے ادھر پڑا کدھر ہے رضا صاحب کدھر ہے بھائی ڈالفن کا چلان ہوگا چلان کا چلان ہوگا ڈالفن کا رضا صاحب کدھر وکاس صاحب بلائیں جی ان کو السلام علیکم کیا حال ہے وکاس صاحب وکاس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ان کا لائسنس ہی نہیں ہے سر ان کا ویریفائی کر لیتے ہیں اگر نہ ہوا تو ان کو فائن پکے پکے پکڑے فوری پکڑے جی السلام علیکم کیا حال ہے طبیعت کیسی ہے خیریت سے شناختی کارڈ دکھائیں جی آئی ڈی کارڈ بھی پاس نہیں ہے اس وقت ہلو فون دسو نمبر یاد ہے آپ کو نمبر بھی نہیں یاد نمبر بھی نہیں یاد اے اصلی ڈالفن ہے آپ قانون کے رکھوالے ہیں اوکے کوڈ ہے آپ کا اصلی والا زیادہ جو ہے نا عمل درآمد آپ لوگوں نے کرنا ہے اگر آپ لوگ قانون کی دھجیاں اڑائیں گے قانون پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو لوگ کیسے کریں گے ان کو قانون کے مطابق ڈیل کریں میں واپس آ رہا ہوں میں واپس آ رہا ہوں ایک منٹ ذرا ایک منٹ میں واپس آ رہا ہوں میں واپس آ رہا ہوں واپس آ رہا ہوں السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے ڈالفن آپ ٹھیک ہیں لائسنس ہے یہ لائسنس ہمارے بنے ہوئے ہیں سرکار کے قبضے میں ہیں لائسنس ایک بندہ ادھر آ جائے رضا صاحب ادھر آ جائیں یا وکاس صاحب ادھر آئے ادھر بھی نہیں ہے جی لائسنس سر ایکچولی ان کو یہ بائک ایشو ہوئی تھی تو اس وقت آفیشل ان کو ایشو کر کے ان کی ٹرائی لے کے تو پھر ان کو لائسنس تو پاس ہونا چاہیے بجائے لیکن جو آفیشل ان کا بنا ہے وہ آفیشلی لائسنس بنے دوران ٹریننگ کے دوران ہی جو ہے نا ہمارے ٹیسٹ ہوئے تھے اور وہیں سے جو ہے نا اپنا آفیشلی طور پہ ہمارے لائسنس بنے ہوئے لائسنس تو پاس ہونا چاہیے سر آفیشلی طور پہ جو ہے نا آفیشلی انہوں نے کہا ہے لکھا دکھا دیں کہ لائسنس نہیں رکھنا آپ نے نہیں نہیں لائسنس تو اپنا ہمیں اتنے سونے آدمی اور تم باتیں کس طرح کر رہی ہو پکڑے یار ان کو یہ بڑے خوبصورت جوان ابھی بھرتی کیے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ابھی اسٹریٹ کرائم انصاف ہوگا باخدا انصاف ہوگا اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑی ہوئی ہیں اس کو ابھی یہ کنٹرول نہیں کر رہے دیکھیں اب نیکسٹ یہ کیا کر رہے ہیں یہ بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جب ہم ٹریننگ میں تھے نا ٹریننگ سینٹر میں ٹریننگ والوں نے لکھ کے دیا تھا کہ آپ نے لائسنس نہیں جیب میں رکھنا ٹریننگ میں ادھر جو ہے نا لائسنس جو اتھارٹی ہے ان کو ادھر بلوایا گیا تھا اور سب لڑکوں کا ادھر جو ہے نا وہ لائسنس بنوایا گیا تھا ان سے باقاعدہ پکچرز اور جو پھر کاپیاں نہیں دی گئی لائسنس کی دی گئی تھی بالکل وہ کہاں ہے تو وہ اس وقت والٹ میں دیکھیں دیکھیں آپ کو ہیڈ کون کرتا ہے ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں ایس پی صاحب ہیں ہیڈ وہ کرتے ہیں نا لائسنس انہوں نے جیب میں تو نہیں آپ کا رکھنا نہیں بالکل جو افیشلی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے لائسنس رکھنا ہے نا پاس بالکل یہ ایس پی صاحب نے رکھنا نہیں آپ نے رکھنا جی بالکل وہ کہاں ہے نہیں ہے جی وہ تو باخدا انصاف ہوگا باخدا انصاف ہوگا کہاں ہیں جی ہمارے وارڈنز کدھر ہیں لیکن وارڈن کہہ رہے ہیں کہ لائسنس ان کو ملا ہوا ہے سب کو تو ان کا ہم چیک کر لیتے ہیں اگر ان کے پاس لائسنس شہری بڑا شدید احتجاج کریں گے اگر آپ نے ڈالفن چھوڑ دی اور شہریوں کا چلان کیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر نہ کہیے گا نہیں شہری تو احتجاج کریں گے کہ جو قانون کدھر ہے رضا صاحب وکاس صاحب بلائے ہیں اگر وہی عملداری نہیں کریں گے وکاس صاحب رضا صاحب کدھر گئے سارے اچھا مجھے ہاں جی ان کا چلان نہیں آپ کر رہے ڈالفن کا چلان نہیں ہو رہا جی دیکھیں آپ دیکھیں ڈالفن فورس کا چلان نہیں ہو رہا کیا کر رہے ہیں آپ ان کا جو ہے لائسنس جو ہے ڈپارٹمنٹ نے ایشو کیے ہوئے ہیں کیے ہوں گے ان کی جیب میں ہونا چاہیے کہ نہیں لیکن جیسے کہ ہم اچھا چلیں کیا گارنٹی آپ کے پاس کہ یہ اوریجنل بندہ ہے یہ اوریجنل ڈالفن ہے اس کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہے اس کا کیا جواب ہے اس کارڈ آپ کے پاس کارڈ وہ بھی نہیں ہے اب بتائیں یہ تو آپ کو خواب آنی ہے بھائی جان کہ یہ بھائی جان اوریجنل والے ہیں ایکچولی بائک دیکھ کے پہچان جاتی بائک وہ اس طرح کی مل جاتی ہے ملتی ادھر سے بن جاتی ہے میں بنوا دیتا ہوں بنوائی نہیں بنتی اگر ڈالفن فورس کی بائک چوری کر کے لے جائے تو پھر یونیفارم لگا ہوا ہے اس میں ٹریکر کھل جاتا ہے یار کیا ہو گیا اور ٹریکر تو بڑی بڑی گاڑیوں کو توڑ لیے جاتے ہیں یار ان کے مطابق کیا کریں گے ان کے مطابق کیا کریں گے ٹریکر کھول کے گاڑیاں لے کے چوری کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ٹریکر نہیں کی جا سکتی ہے کمپلین کیوں آپ قانون کے مطابق چلان کریں ٹھیک ہے یہ تو اسی طرح کے پرویز مشرف صاحب یہاں سے گزرے ہیں آپ کہتے ہیں جی جنرل صاحب گزرے شناختی کارڈ دیں آپ کو فائن شناختی کارڈ کدھر ہے نہیں آپ کو پہلے بھی کریں جی گاڑی بند کریں آپ قانون کے مطابق اگر آپ نے ان کی گاڑی بند نہ کی تو سارے شہری کہیں گے ہماری کیوں بند کی ہے پروگرام چل رہا ہے کوئی مذاق ہے انشاءاللہ ان کی بند کر دیں یہ دیکھیں جی صورتحال آپ کے سامنے بہت شکریہ آپ کا تھینک یو سو مچ جی اور ادھر بھی وہ بھی ہے یہ اگر جانے دیا تو آپ سیک ہوں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہاں جی بابر علی فیر ہونا سروس کارڈ بھی نہیں پاس
जी है, सर्विस कार्ड, सर्विस कार्ड है। चलो ये अच्छी बात है, उधर सर्विस कार्ड भी कोई नहीं। स्ट्रीट क्राइम को बढ़ा हुआ है, क्यों आप डाकू नहीं पकड़ रहे? क्या क्राइम बहुत बढ़ गया बाबर? नहीं नहीं, असल में हमारी जो जिम्मेदारी है वो रोड्स की है और स्ट्रीट की है। असल में स्ट्रीट क्राइम रोड पे होता है यार, वो घरों में नहीं होता है, वो घरों में डकैतियां होती हैं। इंशाल्लाह हम जो ड्यूटी कर रहे हैं इधर, माशाल्लाह आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, क्राइम घटा ही है इधर, बल्कि जीरो तक है। ये सिविल लाइन डिवीजन में हम ड्यूटी कर रहे हैं, स्टेट बैंक हमारी बीट है। अच्छा। तो पिछले महीने दो महीने से हम जहाँ तैनात हैं आप देख सकते हैं, स्ट्रीट क्राइम बिल्कुल पूरे लाहौर में क्यों बढ़ा हुआ है, इसकी क्या वजह है? आप थोड़ा सा इस पे काबू पाने के लिए कोई तजवीज दें या क्या वजह है? डॉल्फिन फोर्स काम नहीं कर रही, पीरू काम नहीं कर रही, या जो सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं वो सही आपको डायरेक्शन नहीं दे रहे वहाँ पे बैठे हुए लोग? स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए जारी बात है मोस्ट पेट्रोलिंग सबसे बेहतरीन जो जरिया है, हम वो ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा। तो इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट मंथ, अगले दो मंथ में, तीन मंथ में देखेंगे कि क्राइम रेट घटेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा अच्छा यार, ये बड़ी इस पे जो डॉल्फिन फोर्स है, पीरू फोर्स है, इस पे बड़े अखराजात आए हैं, बड़े आवाम के बड़े टैक्सों का पैसा इस पे जाया हुआ है, तो इस पे लोगों का आउटपुट भी नजर आना चाहिए। जब तक आउटपुट नजर नहीं आएगा तब तक लोग कहेंगे ये कैसी फोर्स है। ये आप देख सकते हैं पीरू डॉल्फिन की तैनाती से पहले क्राइम रेट और उसके बाद क्राइम रेट। मैं आपको बताऊं, लाहौर का क्राइम रेशो मैंने देखा है पिछले साल बड़ा है, पिछले साल की निस्बत इस साल बड़ा है, और खासतौर पर तीन चार महीने में बहुत बड़ा है। आप अच्छे तरीके से कार्रवाइयां भी करें लेकिन अपना लाइसेंस पास रखें, और आज आपको जाने नहीं दिया जाएगा, गाड़ियां बंद होगी। मैं एक बात बताऊं, ये एक इंडिविजुअल एक्ट हो सकता है बाबर, और ये बड़े स्मार्ट लोग हैं, अच्छा काम करते हैं। आज मैं समझता हूं कि ये इनसे ओवरलुक हुआ है, और ये हो नहीं सकता कि इनके लाइसेंस ना हो, इनके आईडी कार्ड ना हो, ये एक इंडिविजुअल एक्ट है। ओवरऑल डॉल्फिन फोर्स बड़ी डिसिप्लिन फोर्स है, हर शहरी जो है ना, हर शहरी इक्वल है कि नहीं? इस बात से मुझे लगता है जो फरूख साहब है ना वो डंडी मार गए मार रहे हैं, ये जो है ना डॉल्फिन वालों की सपोर्ट कर। असल में आप देख सकते हैं, ऑफिशियली आप देख सकते हैं तमाम डॉल्फिन के जवानों का लाइसेंस बना हुआ है, ऑफिशियली आप देख सकते हैं। वो तो एक बंदा है, एक मिनट, मेरा लाइसेंस घर रह गया, मुझे नंबर याद है, मैं उसे कहूँ ऑफिशियली देख लो जी ये बात। ये देखे रेस्क्यू 1122 का एलटीवी साथ खड़ा है, लाइसेंस दिखाएं भी अपना, ये बात नहीं हो सकती। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने आपको पकड़ लिया। नहीं नहीं नहीं, क्या आप डंडी मार रहे हैं? मेरी सुने, असल में ऑफिशियल जितने लोग हैं ये हो नहीं सकता कि वो लाइसेंस के बगैर मूव करें। ये देखें, ये मैं आपको अपना आईडी कार्ड दिखाता हूँ, लाइसेंस दिखाता हूँ, ये ऐसा नामुमकिन है, ये एक इंडिविजुअल एक्ट है। ये देखो, के पास नहीं होता, मेरे पास भी है, चेक कर लें आप, मैं भी अपने दिखाने के लिए तैयार हूँ। इंडिविजुअल एक्ट है, डॉल्फिन फोर्स अच्छा काम कर रही है, और अगर इन्होंने गलती की है तो इन्हें दोबारा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो गलती का अजाला आप छोड़ के तो नहीं कर सकते। ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस इसको देखेगी, इस मैटर को ट्रैफिक पुलिस देखेगी। अभी ट्रैफिक पुलिस के पास जा रहे हैं, बाबर साहब आते हैं आपके पास। ये सूरत हाल है। हाँ जी, क्या किया है डॉल्फिन का? जी डॉल्फिन का क्या किया है? डॉल्फिन का क्या किया? डॉल्फिन की कम्प्लेन नहीं की जा सकती है सर, आप बंद नहीं कर सकते, मजाज नहीं है आप? नहीं, हमें वो फोर्स को हम कैसे, मतलब सीडीओ साहब ने कहा है कि डॉल्फिन का बंदा चलान लाइसेंस के बगैर? नहीं नहीं, किसी ने भी नहीं कहा, इवन मुलाजमीन का भी हेलमेट की चूंकि कम्प्लेन चल रही है तो हम हेलमेट के खिलाफ ही मतलब कार्रवाई कर रहे हैं। ये लाइसेंस ही नहीं है पास, लाइसेंस इनके आईडी कार्ड पास नहीं, डिपार्टमेंट इनको इश्यू नहीं कर रहा। आम शहरी के पास आईडी कार्ड लाइसेंस ना हो आप क्या करते हैं? डेफिनेटली वो मशकूक होता है। यहाँ कानून को डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं आप? नहीं वो ऐसा तो नहीं कि आप अपने पेटी भाइयों को थोड़ी सी वो दे रहे हैं। सीटीओ साहब तो बड़े अपराइट आदमी हैं। सर, सीटीओ साहब के हुक्म से हमने फाइन आज दी है, पुलिस मुलाजमीन जितने भी सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं सबको अल्लाह के फजल से ₹1,000 का फाइन हुआ बगैर हेलमेट के। ऐसा मतलब वो हेलमेट की पासदारी कर रहे हैं, बाकी वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह। गवर्नमेंट ने हेलमेट दिए हुए हैं, वो तो उन्होंने पहने ही पहने हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस भी जारी किया है, वो भी उनके पास होना चाहिए, आईडी कार्ड तो होना चाहिए जिसे आप चेक करें कि इनका लाइसेंस है कि नहीं है, जिसे आप चेक कर सके कि ओरिजिनल बंदे भी हैं कि नहीं है। उनके पास तो कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है, वो तो वैसे चलान बनता है। अगर आप अपने महकमे की सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे पेटी भाई हैं तो वो एक अलग बात है। जैसे कि हेलमेट की कंपेन चल रही है उसकी अगर मतलब उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो हम इनको जरूर। हेलमेट किधर है? हेलमेट सर आज ही पता चला, हम आज पता चला। हाँ जी, कल आम शहरी का चलान कर दिया।